औरंगाबाद देवसूरी महोत्सव में उद्घाटन के बाद मंच से ही नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई। अपने ही पार्टी के प्रभारी मंत्री ब्रजकिशोर बिंद पर पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री महीने में दो बार आते हैं और बारून के मुखिया द्वारा बालू चोरों से 2 लाख रुपया लेते हैं, उनका बेटा भी वसूली करता है। प्रभारी मंत्री के कारण हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। सीता खाप और प्रचार पहाड़ के ठेकेदार से पैसा लेकर ठेकेदार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ऐसे मंत्री के कारण हमारी सरकार की बदनामी होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच करें। हाँ, ये महोत्सव में बयानबाजी चल रहा था। महोत्सव के ऐसा है कि सूर्य महोत्सव को ही लोग खिलवाड़ बना कर रख दिया है जिला प्रशासन, और प्रभारी मंत्री महीना में 2 रोज आकर आईबी में बैठता है। बारून के मुखिया के माध्यम से प्रतिदिन बालू चोरों के द्वारा 2 लाख रुपया ले रहा है। इसका बेटा आता है, इसकी जांच कराने की मांग हम कर रहे हैं सरकार से, और प्रभारी मंत्री ब्रजकिशोर बिंद के कारण हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। यहाँ सीता थापा पहाड़ जो है, जो माफिया है, जिसके विरुद्ध में सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसका संरक्षण ये दे रहा है। डीएम ने पत्र लिखा था माइनिंग अफसर के कि उसको समाप्त बंद कर देना है, लेकिन प्रभारी मंत्री जो है, यहाँ सीता थापा जो पहाड़ है उसका जो ठेकेदार है उससे पैसा लेता है, उसी तरह यहाँ जो है प्रचार पहाड़ उसको भी बंद हो जाना चाहिए। उसका मांग भी कई बार उठा है, लेकिन ये जो प्रभारी मंत्री है उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है। जब ये प्रभारी मंत्री बने तो खनन विभाग के प्रभारी पदाधिकारी यहाँ सुनील सिंह थे। सुनील सिंह से 2 ट्रक बालू अपने के यहाँ गिरवाया, ठेकेदार बालू गिरा दिया, और भाड़ा जब सुनील से मांगा तो उसको कहा कि नौकरी खा जाएंगे। अंत में वो सिविल SDO बन गया। तो ये सब भ्रष्ट, और इस भ्रष्ट मंत्री के कारण हमारी सरकार के हमारा नेतृत्व की बदनामी हो रही है। और हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सीता थापा की जांच कराइए, आप जल जीवन हरियाली का जांच कराइए।